हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। कर्नाटक इलेक्शन में बोले पीएम मोदी, मुझे 91 बार दी अलग अलग गालियां, जनता ने कांग्रेस को दी सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बीदर हुमनाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर आपने पूरे देश को संदेश दिया है कि इस बार बीजेपी सरकार। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कर्नाटक को नंबर वन राज्य बनाने का चुनाव है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार अलग अलग गालियां दी हैं। अगर कांग्रेस ने इतनी मेहनत सुशासन के लिए की होती तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती। उन्होंने कहा कि गरीबी की तकलीफ कांग्रेस को कभी समझ नहीं आई और कांग्रेस वो दल है जो विकास में भी राजनीति करती है और नकारात्मकता से भरी पड़ी है। जब तक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रही उसने गरीबों के घर बनाने की स्पीड धीमी कर दी। गरीबों के साथ कांग्रेस के इस अत्याचार को भाजपा सरकार ने रोका और हमने यहां घर बनाने की स्पीड को और तेज किया है। देश में मई में पड़ सकती है भीषण गर्मी, अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य पर होगा इसका असर। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के कई हिस्सों में मई में भीषण गर्मी पड़ सकती है। इससे बिजली नेटवर्क प्रभावित हो सकता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा पैदा हो सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्व मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में मई महीने का अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में दक्षिण एशियाई देश भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। इससे वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। व्यापारी अब निवेश करने से पहले मौसम को ध्यान में रख रहे हैं। गर्मी से उत्पादकता पर भी असर पड़ सकता है। वहीं भारत में लाखों लोग तेज धूप में खुले में कड़ी मेहनत करते हैं, इससे लोगों की जान को लेकर भी खतरे की स्थिति पैदा हो सकती है। बता दें कि येल स्कूल द्वारा किए गए एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि नमी से शहरों में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। अध्ययन के मुताबिक शहरों के चारों ओर से घिरे होने से, जिसे अर्बन हीट आइलैंड फेनोमेना कहते हैं, के कारण शहर में रहने वालों को अधिक गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। बायजू के सीईओ के दफ्तर पर छापेमारी, ईडी ने जब्त किया आपत्तिजनक दस्तावेज। ऑनलाइन एडुटेक प्लेटफॉर्म बायजूस के सीईओ रविंद्रन बायजू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने कंपनी के सीईओ रविंद्रन बायजू के बेंगलुरु स्थित ऑफिस और रेजिडेंशियल परिसर पर छापे मारे और वहां से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया है। ईडी ने एक बयान में बताया कि फेमा के प्रावधानों के तहत हाल ही में कुल 3 परिसरों, 2 कारोबारी और एक रिहायशी परिसर पर छापे मारे गए हैं। जांच एजेंसी ने बताया कि उसने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया है। ईडी ने बताया कि ये कार्रवाई कुछ लोगों से मिली विभिन्न शिकायतों के आधार पर की गई है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि रविंद्रन बायजू को कई समन भेजे गए हैं लेकिन वह बचते रहे और कभी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। भाजपा विधायक की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को 10, अफजाल को 4 साल की मिली सजा। गाजीपुर की एमबीएमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 2 अलग अलग मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं मुख्तार के भाई और गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि मामला भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और व्यापारी के अपहरण और हत्या से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सजा होने के बाद अब उनकी सांसदी जा सकती है। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत सांसद या विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर संसद सदस्यता रद्द की जा सकती है। हाल ही में राहुल गांधी को मानहानि मामले में भी सजा होने के बाद सांसदी गंवानी पड़ी थी। इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पे होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था।
पहलवानों का दर्द समझने जंतर मंतर पहुंची प्रियंका गांधी, कहा WFI चीफ दे इस्तीफा। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही देश के पहलवानों से मिलने के लिए कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 29 अप्रैल को सुबह को पहुंची। इस दौरान उन्होंने पहलवानों से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। जाने माने पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई महिला पहलवानों ने उन्हें पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सड़क पर दंगल लड़ने के बाद आखिरकार पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में कामयाब हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर 2 FIR दर्ज की है। हालांकि पहलवान बजरंग पूनिया ने एक बार फिर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कुछ सामान मंगवाया था, लेकिन पुलिस उन्हें प्रदर्शन स्थल पर लाने की अनुमति नहीं दे रही है। पूनिया ने कहा कि पुलिस सामान लाने वाले को पीट पीट कर भगा दे रही है। WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी पर बोलते हुए पूनिया ने कहा कि पुलिस कहती है थी कि यदि आप विरोध करना चाहते हैं तो सड़क पर सोएं। आखिरकार अब उन पर ये कैसा दबाव आ गया है। ट्विटर कंटेंट सब्सक्रिप्शन शुल्क में 10% की करेगी कटौती। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर क्रिएटर्स के लिए अपने कंटेंट सब्सक्रिप्शन शुल्क में कटौती करेगी। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले साल के बाद कंटेंट सब्सक्रिप्शन पर 10% की कटौती करेगी। इस कटौती के जरिए कंपनी अपने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए वेबसाइट पर कंटेंट मोनेटाइजेशन शुरू करना चाहती है। शुल्क में कटौती होने के कारण बड़ी संख्या में ट्विटर यूजर्स कंटेंट सब्सक्रिप्शन लेना शुरू करेंगे। इस महीने की शुरुआत में अरबपति एलन मस्क ने ऐलान किया था कि यूजर्स जल्द ही अपने फॉलोअर से टेक्स्ट और वीडियो कंटेंट के जरिए पैसा कमा सकेंगे। यूजर्स अपने फॉलोअर से लंबे टेक्स्ट वाले पोस्ट और 1 घंटे या उससे अधिक ड्यूरेशन वाले वीडियो कंटेंट पर ही मोनेटाइजेशन के जरिए पैसा कमा सकेंगे। आपको बता दें कि कंपनी कंटेंट सब्सक्रिप्शन शुल्क में कटौती एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए करेगी। महिला पहलवानों के आरोपों पर गठित निगरानी समिति की जांच बेनतीजा, पुलिस को सौंपी रिपोर्ट। खबर है कि भारतीय पहलवान महासंघ यानी WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए गठित निगरानी समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। समिति की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा WFI अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में पहलवानों ने आरोप लगाया है कि WFI प्रमुख ने न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान भी उनका यौन उत्पीड़न किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह जल्द ही पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद 2 प्राथमिकी दर्ज की। FIR की एक कॉपी पहलवानों को दी गई है, जबकि पॉक्सो के तहत दर्ज FIR की कॉपी पहलवानों को नहीं दी गई है, क्योंकि यह केवल पीड़ित परिवार को दी जाएगी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 354, 354 ए, 354 डी और 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि अन्य FIR की कॉपी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है, क्योंकि यह केवल पीड़ित परिवार को दी जाएगी। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में बदल सकेंगे यूजर्स, आ रहा है नया फीचर। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए इन दिनों वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर रोल आउट कर रही है। इस नए फीचर की मदद से आप किसी भी वॉइस नोट को आसानी से टेक्स्ट में बदल सकते हैं। इससे आप उन वॉइस नोट्स को आसानी से पढ़ सकेंगे जिन्हें वह ठीक तरह से सुन नहीं पाते। कंपनी यह फीचर फिलहाल iOS यूजर्स के लिए रोल आउट कर रही है और भविष्य के अपडेट में इसे सभी यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा। बता दें कि नया वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर डिफॉल्ट रूप से एक्टिव होगा, लेकिन अगर आप किसी कारण से अपने वॉइस मैसेज को ट्रांसक्रिप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप के सेटिंग में जाएं और चैट्स ऑप्शन को सेलेक्ट करें। यहां आपको वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर जाकर आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हुई भारत की बेटियां, हाथ में होंगी तोप और रॉकेट की कमान। भारतीय सेना में पहले ही महिलाएं अपना शानदार योगदान दे रही हैं। अब आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों के फर्स्ट बेंच को अनुमति मिल गई है। 5 महिला अधिकारी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी यानी OTA चेन्नई में सफल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हो गई हैं। रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्षों के समान ही अवसर और चुनौतियां दी जाएंगी। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट महक सैनी को
एक SATA रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे और लेफ्टिनेंट अदिति यादव को, फील्ड रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल को एक मीडियम रेजिमेंट में और लेफ्टिनेंट आकांक्षा को एक रॉकेट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया है। इसके अलावा इन अधिकारियों को सभी प्रकार की आर्टिलरी इकाइयों में तैनात किया जाएगा। इसमें रॉकेट, मीडियम, फील्ड और सर्विलांस एंड टारगेट एक्विजिशन और उपकरणों को संभालने के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग और एक्सपोजर मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी में महिला अधिकारियों को आर्टिलरी में कमीशन देने के निर्णय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने लिया था। ये 5 महिलाएं अधिकारियों का फर्स्ट बेंच है। केजरीवाल के बंगला विवाद में उपराज्यपाल की एंट्री, मुख्य सचिव से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एक बार फिर आमने सामने हैं। उपराज्यपाल ने केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन में कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च होने को लेकर मुख्य सचिव से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के आवास के रिनोवेशन में अनियमितता से जुड़ी हुई मीडिया रिपोर्टों को ध्यान में रखकर मुख्य सचिव से सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित करने का आदेश दिया गया है। उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन में कथित अनियमितता से जुड़ी हुई मीडिया रिपोर्ट से को संज्ञान में लेकर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी रिकॉर्ड को तुरंत सुरक्षित करने और प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव को रिकॉर्ड की जाँच के बाद 15 दिन के भीतर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा ने केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि उपराज्यपाल की छानबीन से बचने के लिए विभिन्न मदों में व्यय 10 करोड़ रुपए से नीचे रखा गया है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बरकरार, ईडी मामले में न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ी। राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का काम नहीं रोक पाएंगे। मोदी जी जितना चाहे साजिश रच लें। आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत खत्म होने पर प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उनकी हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और झारखंड में कुछ स्थानों पर तथा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और कोंकण और गोवा में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो पहले देख लें कि उसे पहले से हासिल करने वाले इंसान खुश हैं या नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।